अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड फंक्शन की बात करेंगे कि थर्ड फंक्शन बिल्ट इन कौन सा है। इसका नाम है SQR फंक्शन और इसका पर्पस है कि ये जो नंबर रिटर्न करता है, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगा स्क्वायर रूट। और इसमें एक आपने एहतियात करनी है कि जो वैल्यूज आप देंगे इसके अंदर वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर वो जीरो से लेस होगी तो उसका स्क्वायर रूट कभी भी आप शो नहीं करेगा, क्योंकि लेस देन जीरो मींस वो वैल्यूज माइनस में होगी और माइनस वाली वैल्यूज ये कभी भी रिटर्न में उसका आंसर नहीं देगा। अब इस फंक्शंस को हम फॉर्मेट कैसे इसको लिखेंगे GW बेसिक में, पहले इस SQR इसका फंक्शन का नेम, फिर छोटी ब्रैकेट्स में x का मतलब है कि इसके अंदर हम वैल्यूज शो करेंगे। अब वो वैल्यूज हमने इसमें पास करनी है, या वो वैल्यू इसमें इनपुट के तौर पर हमने देनी है जो जीरो या जीरो से बड़ी हो। अगर वो जीरो से कम होगी यानी माइनस में होगी तो ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। ये इसकी एग्जांपल है। फर्ज करें अगर एक्स 10 है तो फिर इसका स्क्वायर रूट ये होगा, अगर एक्स 11 है तो इसका ये स्क्वायर रूट होगा, अगर 12 है तो ये स्क्वायर रूट होगा, और अगर इसका लास्ट यहाँ 25 है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 5 होगा। तो ये आपने जरूर GW बेसिक में इसको ट्राई करना है, ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। तो जब भी आपने इसको रिटर्न में लिखना है किसी भी फंक्शन को, तो उस फंक्शन का नेम, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मेट और उसकी एग्जांपल। फॉर्मेट का मतलब है उसका सिंटैक्स, यानी फॉर्मेट और सिंटैक्स में कोई फर्क नहीं होता। फोर्थ जो फंक्शन है वो है सिन फंक्शन। सिन फंक्शंस का मतलब होता है साइन फंक्शन, इसी तरह कॉस फंक्शन, इसी तरह टैन फंक्शंस हैं, इसी तरह कोसेकेंट फंक्शंस हैं। अगर आप एक सिन फंक्शंस आपको अगर पता चल जाता है तो इसका मतलब है आप कॉस फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, आप टैन फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि पॉपुलर साइंटिफिक फंक्शंस होते हैं। तो इस फंक्शंस में क्या होता है, सिंपली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें हम कोई ना कोई वैल्यू इसमें पास करते हैं और उसके बाद हमें आंसर मिल जाता है। बेसिकली इस फंक्शंस के लिए ये फार्मूला लिखा जाता है कि जो हम वैल्यूज देते हैं उसको मल्टीप्लाई, पहले तो पाई बाय 180 पे उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जो उसका आंसर आए उसको हम अपनी जो वैल्यूज देते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो रिटर्न की सूरत में हमें आंसर मिलता है वो ही हमारा आंसर होता है। फर्ज करें कि पाई की वैल्यू है 3.142 और हमने सिन में पाई मल्टीप्लाई बाय 30 बाय 180 लिखना है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये साइन की वैल्यूज हमें पता चल जाएगी। तो ये थे डियर दो फंक्शंस, और आपने इन फंक्शंस को जरूर जरूर इन फंक्शंस को आपने प्रैक्टिकली यूज करना है GW बेसिक के सॉफ्टवेयर में, और ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और इन दोनों फंक्शंस को आप इस्तेमाल करके इसकी वैल्यूज आपने देखनी है, क्या ये वैल्यूज ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही। और याद रखिएगा जो फॉर्मेट होता है वो सिंटैक्स होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम फर्दर मजीद दो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और आपने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना है और मुझे इसका फीडबैक भी देना है। हाँ, और अगर आपके जहन में इसका कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।